कहेंगे हिंदी में जानना चाहेंगे कि आप आपके ऊपर आपकी पिछली सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि याकूब मेमन को लेकर। देखिए मुंबई में बॉम्ब विस्फोट करने वालों को कौन कौन संरक्षण देता है ये हमने देखा है। उनके साथी अभी भी जेल में बैठे हैं जिनको मंत्री बनाया गया। सबसे महत्व की बात यह है कि हमारी सरकार में हिम्मत थी, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई ली और उसके बाद मुंबई बम विस्फोट के आरोपी को फांसी दी गई। अब ये जो महिमा मंडन है ये किसके काल में हुआ ये आपको पता है और इसलिए वो बोल नहीं सकते, लेकिन आज वो दिन नहीं है इसलिए आज ये सवाल मत पूछिए।